स्वागत है आपका स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं दीपक, आज हम बात करने वाले हैं एंटी ट्रांसपिरेटर्स के बारे में। एंटी ट्रांसपिरेटर्स का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो एंटी ट्रांसपिरेंट्स कहाँ पे उपयोग करेंगे? जहाँ पे पानी की कमी होगी। सबसे पहले तो हम समझते हैं ट्रांसपिरेशन होता क्या है। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि पौधे के किसी भी वायवीय भाग से, ज़्यादातर लीफ वाले एरिया से, पानी का भाप के रूप में उड़ जाना वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो एंटी ट्रांसपिरेशन हमें इसे क्या करना है, रोकना है, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना है। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटी ट्रांसपिरेटर्स का उपयोग किया जाता है, जो लगभग चार तरीके के होते हैं। इनका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो एग्रीकल्चर में, ड्राई लैंड में करते हैं, जहाँ पर ड्राई एरियाज होता है वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हमें ये बात समझ में आ गई कि ट्रांसपिरेशन कहाँ से, तो पौधे के वायवीय एरियल पार्ट से हो रहा है। सबसे पहले हम एंटी ट्रांसपिरेटर्स में किसका उपयोग करेंगे? तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का उपयोग करेंगे। स्टोमेटा क्लोजर ऐसे कौन से होते हैं जो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं? अब जब लीफ वाले पार्ट से या एरियल पार्ट से होता है, तो इसमें हमने क्या किया, स्टोमेटास जो हैं उनको बंद करने के लिए केमिकल का उपयोग किया, तो उसे क्या कह दिया, स्टोमेटा क्लोजर। इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का। इसके बाद में अगर देखा जाए तो ABA, CO2 और एक हर्बिसाइड होता है जिसका नाम है एट्राजिन। एट्राजिन का उपयोग किया जाता है, लेकिन कम मात्रा में, लो कॉन्सेंट्रेशन में, ध्यान रखना है। एट्राजिन का उपयोग भी किया जाता है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोमेटा क्लोजर में कौन से हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, एट्राजिन का किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये क्या करते हैं, लीफ के स्टोमेटा को क्लोज करने का या बंद करने का काम करते हैं। अगला है फिल्म फॉर्मिंग टाइप। फिल्म फॉर्मिंग मतलब लीफ के ऊपर जो पत्ती है, पत्ती के ऊपर एक ऐसी फिल्म या लेयर तैयार कर दे जिसके कारण ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। क्या होगा, जब ये इसके ऊपर एक लेयर बना दी जाएगी, किसके द्वारा, केमिकल के द्वारा, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपिरेटर। ठीक है, अब ऐसे कौन से होते हैं जो फिल्म बना देते हैं? तो इसमें बनाने वाले आते हैं मोबी लीफ, अगला है ऑयल और वैक्स, जो किस काम में लिए जाते हैं, तो फिल्म फॉर्मिंग के काम में लिए जाते हैं। इसके साथ में एक और आता है सिलिकॉन, इसका भी उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, ग्रोथ रिटार्डर। ग्रोथ रिटार्डर मतलब ग्रोथ को रोकने वाले, तो किस साइड में, ग्रेविटेशनल फोर्स के पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो हम देखते हैं ग्रोथ रिटार्डर। ऐसा केमिकल जो पौधे की रूट ग्रोथ को कंटिन्यू होने दे, रूट ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, रूट ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जबकि जो स्टेम की ग्रोथ है इसको क्या करेगा, रोक देगा, इसको स्टेम ग्रोथ को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, इसकी ग्रोथ नहीं होने देगा, इसकी ग्रोथ रोक दी जाएगी, तो स्टेम ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा और नीचे रूट ग्रोथ करेगी। जब रूट ग्रोथ करेगी तो नीचे से वाटर लेवल बना रहेगा, रूट ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, जिसके कारण वाटर लेवल या वाटर रिसोर्स उसको यूज़ होते रहेगा, और स्टेम की ग्रोथ कम होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, है ना, इसीलिए ग्रोथ रिटार्डर का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें साइकोसेल का उपयोग किया जाता है, जिसे हम CCC के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग हम हार्मोन्स में भी करते हैं या हार्मोन्स में भी पढ़ते हैं, दोनों जगह से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर हम ग्रोथ रिटार्डर में पढ़ते हैं कि स्टेम की ग्रोथ को रोक देता है। अगला टाइप क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप का केमिकल पत्तियों के ऊपर
ऐसी लेयर पैदा करेगा या ऐसी लेयर पैदा नहीं करेगा, बनाएगा जिसके कारण सूर्य से आने वाली किरणें क्या होंगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और अंदर की तरफ नहीं जा पाएंगी, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप केमिकल्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है किसका, याद रखना केओलिन का, लगभग कितना प्रतिशत, तो 5% तक इसका उपयोग किया जाता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया जाता है, 5% लिया जाता है। अगर अर्थ सरफेस या पृथ्वी पर जब ये ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर बात की जाए तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, सेलाइट का उपयोग किया जाता है। ये किसके लिए, तो अर्थ सरफेस के लिए। ये हमने एंटी ट्रांसपिरेटर्स कितने 4 देखे जो कि अलग अलग काम करते हैं। एक है जो स्टोमेटा बंद करने का काम करता है, जिसमें किसका उपयोग किया जाता है, पीएमए, एबीए, CO2 और उसके साथ में एट्राजिन हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है, जो कम मात्रा में करते हैं। दूसरा कौन सा है, फिल्म फॉर्मिंग, पत्ती के ऊपर ऐसी फिल्म बना दे जिसके कारण क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा। तो फिल्म फॉर्मिंग में हम किसका उपयोग करेंगे, मोबिलीफ ऑयल, सिलिकॉन और वेक्स का। ग्रोथ रिटार्डर, ग्रोथ रिटार्डर में केवल एक ही एग्जाम्पल आता है, साइकोसेल, जो क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ को रोक देता है जबकि रूट ग्रोथ को कंटिन्यू रखता है। इससे स्टेम ग्रोथ रुक जाती है और वाटर लेवल बना रहता है। इसका उपयोग भी हम किस में करेंगे, एंटी ट्रांसपिरेटर में करेंगे। रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग मतलब ऐसी लीफ के ऊपर कोई लेयर बना देगा जिसके कारण क्या होगा, स्टोमेटा तक ये रेडिएशन से नहीं पहुंच पाएगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपिरेटर। इसमें केओलिन का उपयोग किया जाता है, कितना करेंगे, लगभग 5% तक, और अगर अर्थ पे उपयोग करेंगे तो सेलाइट का करेंगे, ठीक है। तो ये था एंटी ट्रांसपिरेटर के 4 प्रकार, और इसमें से लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगली बार हम नए टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।